राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर शाहजहांपुर में प्रवेश करेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी के आगमन पर स्वागत की तैयारियां की जा रही है। बैनर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। वही हमारे साथ में शाहजहांपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रिशाद खान मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ तैयारियां राहुल गांधी के आगमन को लेकर की जा रही है। जी, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पहली बार शाहजहांपुर पधार रहे हैं, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में और आमजनों में बहुत ज्यादा हर्ष है। और उनके स्वागत के लिए सभी लोग जिस प्रकार का समर्थन हमको कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उनका समर्थन करना बिल्कुल जायज बनता ही है, लेकिन आमजनों के द्वारा, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसानों को उनको उचित मूल्य MSP को लेकर, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय को लेकर, महिलाओं के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उन सब को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर है। और उन सब बातों के लिए आमजनों का भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स हम सबको मिल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर सभी भी बहुत उत्सुकता है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं। आज इस आजाद हिंदुस्तान में आमजनों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, युवाओं की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी जी है और उसका उसी के लिए इतना समर्थन यहाँ पर दिख रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? रोड शो वगैरह का भी कार्यक्रम है, नुक्कड़ सभा का भी कार्यक्रम है। आदरणीय राहुल गांधी जी शाहजहांपुर में कल सुबह 10 बजे आएंगे। 10 बजे मंडी वाले रास्ते से होते हुए धोबी चौराहे महाराणा प्रताप चौराह मूर्ति के पास से वो सीधे उनकी गाड़ी से लगातार यहाँ से आमजनों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद टंकी चौराहे पर वो एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। टंकी चौराहे पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के बाद ये यात्रा आगे शाहजहांपुर के इस मेन रोड पर आगे तक जाएगी और उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम मक्सी में रहेगा। तो ये थे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रिशाद खान, जिन्होंने विस्तार से कल के कार्यक्रम के बारे में मीडिया से चर्चा की। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए जिला संवाददाता सैयद आफताब अली की रिपोर्ट।